मेहता से जुड़ी 31 बीघा जमीन भी अटैच की गई है। जयपुर, जोधपुर और दिल्ली में भी जमीन अटैच की गई है। फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी करने पर कार्रवाई। अब तक कुल 21.51 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के तहत मामले में जारी जांच पड़ताल जारी है और जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन कमल मेहता, जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई और बड़ी संपत्तियों को अटैच किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई और कमल मेहता की संपत्तियां ईडी ने अटैच की है। कमल मेहता की 13 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन है कमल मेहता। कमल मेहता और उनके परिजनों पर भी शिकंजा कसा गया। ईडी ने 12 फ्लैट, 3 प्लॉट और एक भवन किया अटैच। कमल मेहता से जुड़ी 31 बीघा जमीन भी अटैच की गई है। जयपुर, जोधपुर और दिल्ली में भी जमीन अटैच की गई। फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी करने पर भी कार्रवाई की गई। अब तक कुल 21.51 करोड़ की संपत्तियां अटैच हो चुकी है। पीएमएलए एक्ट के तहत मामले की जांच पड़ताल जारी है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन है कमल मेहता। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जोधपुर, जयपुर और दिल्ली में जमीनों को, फ्लैट्स को अटैच किया गया है और बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन है कमल मेहता और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पूरी जानकारी क्या है अंकित? देखिए, प्रवर्तन निदेशालय का यह बड़ा एक्शन है और प्रवर्तन निदेशालय ने कमल मेहता, जो कि पूर्व चेयरमैन है जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके यहाँ छापेमारी, उनके यहाँ संपत्ति अटैच की है। कुल 12.98 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है, जिनमें 31 बीघा एग्रीकल्चर लैंड है और इसमें फ्लैट और जो भवन है वो भी शामिल है। साथ ही ईडी ने जोधपुर, जयपुर और दिल्ली में छापेमारी कर बेनामी बैंक खाते भी सीज कर दिए हैं। तो जाहिर है एक बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान के लिहाज से मानी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए अंकित। कुल मिलाकर यह है कि बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है और तीन जगहों पर, तीन ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। हालांकि कई संपत्तियों के कागजात को अटैच इस वक्त कर लिया गया है।